पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो आ जाओ भाई, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली काइनेटिक एनर्जी, हाफ आर स्क्वायर के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वाली आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो जरा, जब ये स्प्रिंग इस पॉइंट पर है, ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के, मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय टू के बराबर इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के बाद जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो अपनी मेन पोजीशन पर जब ये वापस आएगा, चलो दो तरीके से आपको बताता हूं, इस पॉइंट पर, ठीक है, छोड़ा, इस पॉइंट पर आ गया। अब इस पॉइंट पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी, किसके बराबर हो गई, जीरो के बराबर हो गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो इस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो इस पॉइंट पर मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जो है बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम इसी चीज को जो है सर्कल के हिसाब से बनाएं, इस पोजीशन पर वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। अब इस पोजीशन पर आ जाओ, टी बाय फोर पर, यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। अब इस पोजीशन पर कॉस 90, कॉस 90 जीरो के बराबर होता है ना, कॉस 90 जीरो के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसी वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब फिर दोबारा से इसी पोजीशन पर आ जाओ, मीन पोजीशन पर कॉस 180, ठीक है, कॉस 180, कॉस 180 माइनस वन, तो फिर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा से जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब फिर दोबारा से इस पॉइंट पर आ जाओ, ये 3t/4 है और ये t/2 है। अब 3t/4 पर अब ये कौन सी पोजीशन पर है, अब यहां पर 3t/4 पर फिर दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। आप चाहो तो इसको विजुअली देखकर बता देना, बता सकते हो कि भाई इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर इस पॉइंट पर आएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम बताना चाहो तो टाइम में क्या करोगे, आप इस पॉइंट से टाइम स्टार्ट कर देना, मेन पोजिशन से, यहां से छोड़ो, छोड़ने के बाद जैसे ये इस पोजिशन पर आएगा, जैसे ये इस पोजिशन पर आएगा, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट कर देना। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जब आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो इसमें रख देना, ठीक है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से टाइम, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, देखो इस पोजिशन पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है, इसमें रख देना आप, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो यहां से स्टार्ट करोगे तब, तो ये चीज आपके पास जो है बनकर आ जाएगी। अगर आप इसी को जो है ग्राफ में बताना चाहो तो ग्राफ में बता सकते हो,
पहले तो इसको लिखो आप, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि आर स्क्वायर के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय टू प्लस आर स्क्वायर के कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के डिवाइड बाय टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ये वाली चीज दोनों में कॉमन ले लो, मैकेनिकल एनर्जी बराबर आर स्क्वायर के डिवाइड बाय टू, अंदर क्या रह गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि वन के बराबर हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी आर स्क्वायर के डिवाइड बाय टू, और के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ये वाली मैकेनिकल एनर्जी इसकी निकल कर आ जाएगी। अगर आप इसी चीज को ग्राफ में शो करो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो उसको हम ग्राफ में शो करते हैं। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम मेन पोजिशन से ले रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो टी बाय फोर पर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये वाला टी बाय टू पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है, और फिर इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये वाला टी बाय टू प्लस टी बाय फोर, चार टी जमा दो टी बटे चार दूनी आठ, छह टी बटे आठ दो तीन से दो चौका थ्री टी बाय फोर, थ्री टी बाय फोर पर, ठीक है, और ये फिर दोबारा से घूम फिर कर कितना टाइम आ जाएगा कैपिटल टी। अब बना दिया भाई ग्राफ, ठीक है, देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो इस पॉइंट पर, उसके बाद टाइम टी बाय फोर आएगा, टाइम टी बाय फोर आएगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी घटते घटते जीरो, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, टी बाय फोर आ गया। टी बाय फोर के बाद टी बाय टू, टी बाय टू, टी बाय टू पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये वाला काइनेटिक एनर्जी, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी फिर दोबारा से मैक्सिमम, उसके बाद फिर दोबारा से 3t by 4 पर, 3t by 4 पर आ जाओ भाई, 3t by 4 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा से जो है मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी फिर दोबारा से जीरो, काइनेटिक एनर्जी फिर दोबारा से जीरो। तो ये वाला जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है एक साथ। अब इसमें क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जो है टी आ जाएगा यहाँ पर, ए यहाँ पर मान लीजिए टी, ठीक है, और इस टी पर ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। जब एक ऑसिलेशन होगा, एक ऑसिलेशन होगा, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट करेंगे हम, ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर फिर इधर, एक ऑसिलेशन में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दो राउंड हो जाएंगे,
पोटेंशियल एनर्जी का एक राउंड, दूसरा राउंड, काइनेटिक एनर्जी का एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, ठीक है। तो इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दो वाइब्रेशन हो जाएंगे एक ऑसिलेशन में, ठीक है। यही था इसमें जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो टोटल एनर्जी थी इसकी, टोटल एनर्जी बराबर होती है मैकेनिकल एनर्जी जिसको टोटल एनर्जी बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। और कहां पर जीरो होती है, कहां पर मैक्सिमम होती है, ये चीज पोजीशन के हिसाब से बताएं, पोजीशन के हिसाब से एंगल को देखकर बता दोगे, अगर टाइम के हिसाब से बताना चाहे तो टाइम पुट कर देना, टाइम के हिसाब से देखकर बता दोगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, और ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन भी आपको बताई, और सिंपल इक्वेशन जो हम निकालते हैं वो भी आपको बताई। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है, उस ऑसिलेशन का बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बोलते हैं। टाइम पीरियड के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी, एनर्जी क्या है, एनर्जी कितनी है, जैसे भी है जो भी है बताई है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, अगर आपको ये चीज समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप IIT JEE फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल पर आपको सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी बढ़िया है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम ऑसिलेशन के बारे में जानते हैं, ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन भी एक तरह का मोशन ही होता है, लेकिन उसमें जो है टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे कि ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर, और इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑसिलेशन। इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ऑसिलेशन हो, ठीक है, ऑसिलेशन हो, लेकिन ऑसिलेशन जब हो तो मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, और ये इस पाथ पे जो है ऑसिलेट कर रहा है, और ये इसकी मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन के अबाउट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यहां से यहां पे ऑसिलेट, इधर 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 ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट करे तो इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मेन पोजीशन हो, ठीक है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मेन पोजीशन हो, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए अब थोड़ा इसकी इक्वेशन यानी कि इसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये वाला पार्टिकल है यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट पर, ठीक है, इसमें हम दो केसेस लेंगे, एक तो ये जब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, एक लेंगे जब मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करके किसी अलग पोजीशन से स्टार्ट करे, तो उससे जो इक्वेशन बनकर आएगी उसको हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये वाली है सिंपल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम बोल सकते हैं। इस पॉइंट पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से चलकर मान लीजिए ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, यहां से आ गया ये यहां पर, ठीक है, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं हो गया थीटा, ठीक है, थीटा एंगल है, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा।
अगर इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ठीक है, तो टाइम, ठीक है, या फिर यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू t, सो टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इसकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, यहां पर ये आ गया भाई इसका, ठीक है, ये वाला फेज, फेज बोलते हैं इसको, या फिर ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास ओमेगा t, यहां पर ओमेगा क्या है, अगर इन टर्म्स ऑफ ये वाला पार्टिकल देखें तो इसके लिए तो ये इसके एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन अगर जब ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पर जाएगा, हम मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो इसके साथ साथ इस वाले पार्टिकल के साथ ऊपर नीचे क्या करता है, ऑसिलेट करता है, इस वाले डायमीटर पे, वर्टिकल डायमीटर पे यह करता है, ऑसिलेट करता है, उसके लिए ये वाला ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, अभी बताएंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बारे में और ज्यादा ढंग से। अब ये वाला पार्टिकल जब यहां पर आ गया तो ये वाला जो पार्टिकल है इसने किधर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक y, ठीक है, तो ये वाला भी कितना हो गया y, तो y बराबर होगा ये वाला रेडियस है r, r साइन ओमेगा t, तो ये वाला तो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया है इसका, ये वाला पार्टिकल तो यहां से अपना, इसने अपना जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चल रहा है, तो यहां से यहां तक आया, उसी टाइम पर ये वाला पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है इधर की तरफ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया आर साइन ओमेगा टी, टाइम टी इस वाले पॉइंट पर टी, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है वन ओवर टाइम, इनवर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम का, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, मान लीजिए इसको ये वाला पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया और फिर दोबारा से घूमता घूमता इसी पॉइंट पर आ गया, उसको टोटल टाइम लगा कैपिटल टी, ठीक है, टोटल टाइम लगा कैपिटल टी, जो इसका क्या है, टोटल टाइम है इसके लिए। अब यही टाइम किसके लिए है, इस वाली मोशन के लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर दोबारा से इसी टाइम टी पर पहुंच गया जो कि जीरो के बराबर है, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, टी, कैपिटल टी, तो इसी टाइम को हम क्या बोलेंगे इसका, ठीक है, ये इसके लिए इसका टाइम हो जाएगा भाई, इतना टाइम लगा, इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल, एक साइकिल में लगने वाला टाइम है कैपिटल टी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हो गया ये, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल से बनने वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे कि देखो ये वाला टाइम है, सॉरी ये वाला पार्टिकल ये इधर से इधर जा रहा है, टाइम टी लगा इसको, उस तरह से ये वाला पार्टिकल यहां पे गया, फिर लगा टाइम टी, किसके बराबर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है यहां से गया यहां पे, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर, या फिर ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पर घूमता घूमता कितना एंगल बना लिया इसने, 2π, कितने टाइम में, टाइम टी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक टाइम पीरियड में ये कितना एंगल बनाता है, एक टाइम पीरियड में कितना एंगल बनाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है, नंबर, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, तो एक यूनिट टाइम में ये एक ही तो ऑसिलेशन बना रहा है, एक ऑसिलेशन एक टाइम में, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है
कितना एंगल बना रहा है एक यूनिट टाइम में। देखो वन ओवर टी किसके बराबर है, यू के, ये क्या हो गया टू पाई न्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होगी टू पाई न्यू। अब ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये चीज आ गई क्या इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है, अब इसमें एक चीज और होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, चाहे तो आप ऊपर पॉजिटिव तरफ देखो चाहे नेगेटिव की तरफ देखो, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, जो साइन फंक्शन होता है, साइन की वैल्यू 90 पर 1, ठीक है, साइन 90 1 होता है, ठीक है, और साइन 0 0, साइन 180 0, साइन और साइन 270 कितना हो जाएगा -1। इस पॉइंट पर साइन 0 0, साइन 90 1, और इस पॉइंट पर -1। तो y है जो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक बार r पॉजिटिव और एक बार r नेगेटिव। तो ये वाला जो r है ये क्या कह रहेगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, r प्लस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और r नेगेटिव क्या है मिनिमम एम्पलीट्यूड। और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा जीरो, जीरो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सॉरी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कैपिटल टी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये आ गई भाई इसकी वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाले तो क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन राइट इट इज इन दिस फॉर्म, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इफ दिस एंगल इज ओमेगा, दिस इज वाई एंड दिस इज आर, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई ओवर आर। नाउ स्क्वायर इट इज ऑल्सो स्क्वायर, वी कैन राइट इट इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, नाउ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस आर स्क्वायर एंड आर एंड आर कैंसल। सो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एंगल। अब देखो वेलोसिटी कहां पर जीरो होगी, कहां पर मैक्सिमम होगी, इसके बारे में बताते हैं। देखो y के ऊपर आ जाओ, y क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर यहां से देख लो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा t। इफ ओमेगा t इज इक्वल टू जीरो देन
cos 0 is equal to 1, then velocity is equal to maximum is equal to r omega. जब पार्टिकल अपनी इस पोजीशन पर होगा, मतलब कि मेन पोजीशन पर होगा, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कहां पर, जब ये अपनी मेन पोजीशन पर होगा. और अगर ये मेन पोजीशन पर ना होकर एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, जैसे कि ये वाली स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको खींच कर मैं इधर यहां पर ले आया, ठीक है, और ये इसकी मेन पोजीशन है. जैसे ही हम इसको यहां से छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद अपनी मेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम. इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो. इसके बाद ये आएगा, इसको दबाएगा, दबाने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पर दोबारा से आकर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो. तो कॉस 90 जीरो, कॉस 270 जीरो, और मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू आर ओमेगा. वाई जीरो कहां पर है, मेन पोजीशन पर है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा यहां पर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इस पॉइंट पर वाई सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर वाई सबसे ज्यादा है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या निकल कर आएगी, वाई बराबर हो जाएगा आर के इस वाले पॉइंट पर. इस वाले पॉइंट पर ये वाला वाई बराबर किसके हो जाएगा, आर के. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, तो वेलोसिटी जीरो. उसी तरह से इस वाले पॉइंट पर आर बराबर हो, वाई बराबर हो जाएगा आर के, ठीक है, फिर दोबारा से वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो. तो ये हमारे पास जो है वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी, ये वेलोसिटी निकल कर आ गई, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आ गया. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन इज डीवी ओवर डीटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी, बाय अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, आर ओमेगा सेम रहेगा, आर ओमेगा सेम रहेगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, फिर दोबारा से इसका फंक्शन डेरिवेटिव होगा ओमेगा टी का, टी हो जाएगा वन, सिर्फ एक ओमेगा निकल कर आ जाएगा, जिससे इसका हो गया स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. नाउ वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी, इट इज acceleration in terms of displacement, and this is acceleration in terms of trigonometric function. अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले acceleration और displacement दोनों में negative relation है. जैसे कि ये वाली spring है, ठीक है, मैं इसको खींचू और खींच कर ले जाने के बाद जो है इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, हमेशा क्या होगा, इधर की तरफ खींचूंगा तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, तो एक्सेलरेशन लगेगा अंदर की तरफ. अगर वाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इधर की तरफ, वाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इससे उल्टा अगर डिस्प्लेसमेंट हमने किया इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन लगेगा इधर की तरफ. एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मेन पोजिशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन भी निकल कर आ गया भाई. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. अब इनको जो है यहां पर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम, ओमेगा इज 2 पाई
न्यू और वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई, दिख रहा है ना, ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और देख लेना, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो ये तो हो गया हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हमने जो है टाइम लेना स्टार्ट किया मीन पोजीशन से, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाली स्प्रिंग है, इस तरह से ये वाला ब्लॉक यहाँ से लगा हुआ है, यही इसकी मीन पोजीशन है और यहाँ पे हमने इसको जो है खींचा, खींचने के बाद जब यहाँ पे छोड़ा, देखो इसको खींचा छोड़ा फिर ये इस अपनी पोजीशन पर आया, यहां से हमने टाइम लेना स्टार्ट किया। अब अगर हम टाइम यहां से ना लेकर इस पोजीशन से ले या फिर इस पोजीशन से ले या फिर इस पोजीशन से ले, तब क्या होगा, तब इक्वेशन क्या बनकर आएगी, और केसेस भी हमारे पास यही होते हैं ज्यादातर, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह से, वही दोबारा से बना लीजिए। अब हम मीन पोजीशन से टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ना लेकर किसी और पॉइंट से टाइम टी इज इक्वल टू जीरो लेते हैं और ये वाला एंगल मान लेते हैं फाइव। अब यहां से ट्रेवल करके ये वाला पार्टिकल आ गया यहां पर इस पोजीशन पर और इसने हो गया एंगल ओमेगा टी, तो इस पोजीशन पर इसका जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई यहां पर, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू ये वाला रेडियस आर, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास जो है जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगी जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम किसी और पोजीशन से लेंगे। आप चाहो तो यहां से ना लेकर यहां से ले लो और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, माइनस फाइव बन जाएगा। यहां पर माइनस फाइव पुट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या चीज है भाई, ये चीज है फेज। फेज हमको बताता है डिटरमाइंस पोजीशन ऑफ पार्टिकल, स्टेटस ऑफ पार्टिकल, ये हमको जो है स्टेटस ऑफ पार्टिकल बताएगी कि पार्टिकल कहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल है जो ओमेगा टी प्लस फाइव, टोटल एंगल हमको इसका जो है स्टेटस के बारे में बताएगा, पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है। उसी तरह से फाई क्या है, फेज कांस्टेंट। अब ये वाला फेज कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, फेज कांस्टेंट डिपेंड करता है कि हम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उस चीज पे डिपेंड करेगा ये वाला फाई, जिसको हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ये फेज हमको बताएगा पार्टिकल कहां पर है, ठीक है, और फाई हमको बताएगा हम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कहां पर ले रहे हैं। जैसे कि ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू जीरो हमने ले लिया, तो मतलब कि भैया टाइम टी इज इक्वल टू जीरो तो होगा, ठीक है, उसी तरह से फाई भी कितना होगा, जीरो होगा। अब फाई जीरो हो इस पॉइंट पर और टाइम टी बराबर जीरो हमने लिया इसी पॉइंट से, मतलब के ये वाला एंगल जीरो हो गया, तो y इज इक्वल टू आर साइन जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो। अब y इज इक्वल टू जीरो कहां पर है, इस पॉइंट पर है, तो फेज ने हमको बता दिया कि भाई पार्टिकल किस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब अगर बात करें भाई ये वाला फेज कॉन्स्टेंट, फेज कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड करता है, जहां से हम टाइम टी स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमने जो है ये वाला फेस ले लिया ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाय टू, यहां से स्टार्ट किया। अब यहां से स्टार्ट किया तो इस पॉइंट पर टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब टी इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ये हो गया जीरो, तो फाइव की वैल्यू कहां है, फाइव इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हमने कहां से स्टार्ट किया, 90 डिग्री से,
अब ये वाला फाइ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम कहां से ले रहे हैं। तो यही चीज बतानी थी, ये पार्टिकल के स्टेटस के बारे में बताएगा और ये डिपेंड करेगा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम कहां से ले रहे हैं फाइ। फाइ डिपेंड करेगा फेज कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कहां पर ले रहे हैं, और ये वाला हमको बताएगा कि पार्टिकल कहां पर है पूरा का पूरा फेज। तो ये है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। और आप चाहो तो इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो जैसे मैंने उसमें लिखा था, और एक्सेलरेशन बराबर आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है एक्सेलरेशन सॉरी यार साइन का कॉस ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और ये वाला नेगेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसके बराबर है वाई के बराबर है। तो ये भाई आपका एक्सेलरेशन आ गया फिर दोबारा से वही निकल कर। तो ये वाले हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये वाली जो सिंपल हमने जो है मीन पोजीशन से बनाई, ये वाली मीन पोजीशन से लेकर बनाई है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हमने मीन पोजीशन से लेकर स्टार्ट किया है। ये वाला टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करके किसी भी और जनरल पोजीशन से ले लिया, आप चाहो तो इस पोजीशन से लो इससे लो इससे लो इससे लो मर्जी आपकी है। वो चीज फाई जितना बनेगा वो आपको बता देगा भाई फाई कितना है। फ्रीक्वेंसी बता दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया। आइए अब बात कर लेते हैं एनर्जी, एनर्जी के बारे में कि भाई जब जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो उसके पास जो है मैकेनिकल एनर्जी होगी जो कि बराबर होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को जब हम एक तरफ खींचेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और फिर जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद जब वे उसके पास जो है वेलोसिटी आएगी, ठीक है, तो उस स्पीड के कारण उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। देखो बताता हूं ये वाला है, इसको खींचकर हम ले गए यहां पर, ये इसकी मीन पोजिशन है, खींचा इस पॉइंट पर लाए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब इसको छोड़ा, छोड़ने के बाद जैसे ही अपनी मेन पोजीशन पर दोबारा से आया, ठीक है, इस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, अब वेलोसिटी है तो सीधी सी सॉरी वेलोसिटी है तो स्पीड है, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, और मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब वो कितने कितनी होंगी वो चीज मैं आपको बता देता हूं। अब इसको यहां से और देखो यहां से और इस पॉइंट पर लाए, ठीक है, तो हमने हमने वर्क किया, मैंने वर्क किया, ठीक है, तो वर्क होता है बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको हमने जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस किया डीएस, ठीक है, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी एस। अब देखो इस पे जब इसको यहां से और इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ, फोर्स बराबर कितना है माइनस के एक्स, ये होता है स्प्रिंग फोर्स, फोर्स बराबर माइनस के एक्स,
जब मैं इसको इधर की तरफ खींचूंगा, डिस्प्लेस किया इधर की तरफ, एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन आ गया। अब ये तो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो अंदर की तरफ काम कर रहा है, मेरा फोर्स कितना होगा जो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं, तो वो हो जाएगा नॉन नेगेटिव के एक्स। अगर ये वाला फोर्स नेगेटिव है तो मेरा फोर्स पॉजिटिव, सीधी सी बात है। तो फोर्स कितना हो गया के एक्स, और या फिर के एक्स, और इसको डी एक्स कर लो यार, ठीक है, ये वाला डी एक्स। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से एक्स तक, जीरो से एक्स तक। तो वर्क बराबर हो गया के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें एक्स ही लगा देना, तो ये हमारे पास जो है वर्क निकल कर आ जाएगा। अब मैंने वर्क किया यहां से और यहां तक, ये वर्क इस पॉइंट पर अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया इस पॉइंट का, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू के, ठीक है। अब एक्स क्या है यहां से और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सॉरी एक्स ही रहने दो इसको, ठीक है, यहां से और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी, ये वाला, या फिर आप जो है इन टर्म्स ऑफ इसमें देखो जो हमने पहली चीजें बताई थी, तो ये वाला आर था, ठीक है, तो इसमें जो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई किसके बराबर था, आर साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर हम स्प्रिंग का केस देखें तो इसको हम एक्स ले रहे हैं, तो इसलिए एक्स साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो आप ना जो है पहले लेके चल रहे हैं वही लेके चलो, क्या आर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर के आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय दो। ये तो होगी हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी भाई। इसमें एक चीज मैं आपको और जो है बता देता हूं थोड़ा सा, रहेगी थी वो, ये वाला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स बराबर है माइनस के एक्स के, फोर्स बराबर है माइनस के एक्स, जो कि बराबर होगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस के एक्स डिवाइड बाय एम के। अब देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ये चीज हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है, के ओवर एम के, नेगेटिव से नेगेटिव हटा दो, तो के बराबर किसके है एम ओमेगा स्क्वायर के। यहां पर ओमेगा क्या है, फिर दोबारा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और कांस्टेंट है, ठीक है, नॉन नेगेटिव है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये मास है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज बताने की बता दी अपने आपको, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम होता है। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी होती है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हम निकाल चुके हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना।
एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर देख लेना आप, जो है के आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बराबर है। अभी जस्ट एक सेकंड पहले मैंने बताया है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम के होता है, तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर के, इसलिए यहां पर के लिख दिया है सीधा। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी किस